हे एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल टॉप 7 में। आपने इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और यूट्यूब में इस तरह के हजारों वीडियोस प्रेजेंट हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ 7 ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप खुद बोलेंगे कि आखिर ये इस लिस्ट में आए कैसे। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवेंथ नंबर पर है अफ्रीकन बुफेलोज। जी हाँ, बुफेलोज भी जान लेते हैं, और ये आम बुफेलोज नहीं है, ये अफ्रीका के बुफेलोज हैं जो कि 9 लाख बुफेलोज के झुंड में रहते हैं। ये बड़े ही आक्रामक होते हैं। हाँ, लेकिन ये शांत होते हैं जब ये अकेले होते हैं। ये अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये चलती हुई गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं। इसलिए ये इंसानों को मारने के लिए जिम्मेदार है। इनके द्वारा दी गई मौतों को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 1000 केजी तक के हो सकते हैं। ये 35 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं। चोट लगने पर भी ये अपना सफ़र जारी रखते हैं। 6th नंबर पर है कोन स्नेल। ये करेबियन, हवाई और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ये आसानी से दिखाई दे जाते हैं अपने ब्राउन वाइट मार्बल शेल की वजह से। इन्हें छूने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये एक तरह का वेनम सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है कोनोटॉक्सिन। इनके जहर का इलाज भी नहीं पाया जाता है। इसे सिगरेट स्नेल भी कहते हैं, क्योंकि जब ये काटते हैं तो उसके बाद सिर्फ इंसान के पास इतना ही वक्त हो सकता है कि वो एक सिगरेट पिए। इसी वजह से ये सबसे ख़तरनाक स्नेल की कैटेगरीज में आते हैं। 5th नंबर पे है पफर फिश। ये ब्लो फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रॉपिकल सी में पाया जाता है, स्पेशली जापान, चाइना और फिलिपीन में। इनमें टेराडॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। एक पफर फिश में इतना जहर होता है कि वो आराम से 36 लोगों की जान ले सके। चाइना और जापान में इन्हें बड़े शौक से खाया जाता है। जापान में पर ईयर 10,000 टन्स ऑफ पफर फिश कंज्यूम किया जाता है। इनके लिए स्पेशल रेस्टोरेंट्स बनाए जाते हैं जिनमें स्पेशल शेफ हायर किए होते हैं। 4th नंबर पर आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये इंडो पैसिफिक से लेकर इंडिया वियतनाम तक पाए जाते हैं। ये सबसे ख़तरनाक क्रोकोडाइल होते हैं। ये 23 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 1000 केजी तक भारी होते हैं। ये शार्क से भी ज़्यादा ह्यूमंस को मारने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ये बड़े गुस्सैले होते हैं, तो इनसे दूर रहने में ही समझदारी है। 3rd नंबर पर टेस्टस फ्लाई आता है। ये इस दुनिया की सबसे ख़तरनाक और डेडली फ्लाई के लिस्ट में शामिल है। यह हाउस फ्लाई की ही तरह दिखता है। ये 0.7 इंच तक बड़े हो सकते हैं। ये सब सहारा कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। ये आपका खून पीकर ज़िंदा रहते हैं। ये ट्राइपानोसम्स नाम का बीमारी फैलाते हैं, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। ये ब्राइट और डार्क शेड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली ब्लू। 2nd नंबर पर आता है मॉस्कीटोज़। जी हाँ, हम हमारे रात की नींद हराम करने वालों को कैसे भूल सकते हैं। ये 0.1 इंच तक के होते हैं। इसके 3000 से भी ज़्यादा स्पीसीज होते हैं। ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर फैलाते हैं। इसकी वजह से 750,000 लोगों की जान हर साल चली जाती है। तो इनसे सावधान रहे और सतर्क रहें। 1st नंबर पर आते हैं हम ह्यूमंस। हैरान हैं आप? जी हाँ, हम भी जानवरों की ही लिस्ट में शामिल हैं। हम सब एक दूसरे को 10,000 सालों से भी पहले से मारते आ रहे हैं। सिर्फ वॉर में गई हुई जानों की गिनती की जाए तो 150 मिलियन से लेकर 1 मिलियन तक हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस लिस्ट में टॉप में कैसे हैं। आज हम सबसे पीसफुल टाइम में जी रहे हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को आप उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको जंग का ही जिक्र मिलेगा। आज भी हम एक दूसरे की जान लेते हैं, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए हो। इसमें कोई शक नहीं है कि हम टॉप में ना हो। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ, हमारा विकास।